कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर द्वारा विधायक क्षेत्र निधि के तहत युवक मंडलों को सशक्त करने के लिए स्पोर्ट्स किटें प्रदान की गई है। इसी कड़ी में शनिवार विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने 19 युवक मंडलों को स्पोर्ट्स किट प्रदान की। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और खासतौर पर एक अनुशासित करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि उन्हें एक ड्रेस कोड, युवा मंडल है उसका ड्रेस कोड हो। आज उन्हें जो स्पोर्ट्स की भी नाम क्लब का लिखा गया है और ये मैं विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत दे रहा हूँ और अब तक लगभग 100 से ऊपर के युवक मंडल जो है रजिस्टर्ड युवक मंडल, ये कोई ऐसी संस्था ही नहीं है जो अनरजिस्टर्ड हो। ये रजिस्टर्ड जो युवक मंडल है उन्हें हमने ये जो है किटें दी जा रही है और इसके साथ में अब इनको जो है स्पोर्ट्स का सामान भी दिया जा रहा है आगे जो अगली कड़ी में। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और जो यहाँ पे समाज में कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ें, नशे से मुक्त रखें अपने आप को और अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड और अच्छा नागरिक बनाएं। उसके साथ में जो खेलों में अगर इनको जो भी प्रोत्साहन करने की ज़रूरत होगी, खेलों की सामग्री दी जाएगी। उसके साथ में आपने देखा होगा कि मैंने अभी हाल ही में स्कीइंग कोर्सेज चलाए लगवैली में। वैसे जो भी बर्फ़ के क्षेत्र है जैसे बरशैनी है, पुलगा तुलगा नखथाना है, मलाणा है, ग्राण है, ये हमारा रशोल है, इसमें स्कीइंग के चलाएंगे। कुछ इलाकों में जो है ट्रैकिंग के कोर्सेज चलाए जाएंगे, कुछ में जो है पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ में राफ्टिंग किए जाएंगे। ये में सारा जो किए ऐसा है कि बारिश पंजाब में होगी तो छाता हिमाचल में खोलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर हिमाचल का मौसम हिमाचल का होगा, पहाड़ों का मौसम कुछ और है, उत्तराखंड की राजनीति कुछ और थी, यूपी की राजनीति कुछ और थी और गोवा की राजनीति कुछ और थी। हिमाचल में जिस प्रकार से 4 सालों में ये सरकार नाकामयाब रही है, हर वर्ग इस वक्त जो आंदोलन में उतरा है, आंगनवाड़ी ले लीजिए, आशा वर्कर ले लीजिए, एम्प्लॉयज़ को ले लीजिए, आउटसोर्स को ले लीजिए, सारे बेरोज़गारों को ले लीजिए, करुणामूल को ले लीजिए, सभी लोग जो है बहुत ही निराशा में चल रहे हैं इस वक्त। और सरकार जो ये इनका उत्साह है, ये आप मानो कि जो 4-0 के हार के बाद जो ये मूर्छित हो गए थे उससे ये अपने आप को थोड़ा सा इसमें मानते हैं कि थोड़ा इनको लग रहा है कि शायद कुछ करिश्मा होगा। हिमाचल की स्थिति, हमेशा हिमाचल के मुद्दों पे इलेक्शन लड़े जाएंगे और ऐसे में हमें भी एक आई ओपनर या जिसे बोल सकते हैं कि वेकअप कॉल हो, या हमें सजग होना पड़ेगा। और इसलिए हमने बूथ लेवल पे जो चर्चाएं शुरू कर दिए, बूथ लेवल के प्रभारियों को हमने आदेश दे दिए कि वो मेंबरशिप ड्राइव को भी आगे बढ़ाएं और जो हमारे जो पार्टी का कार्यक्रम है उसे बूथ लेवल पर लेके जाएं। और एक विधायक होने के नाते जो मैं कर रहा हूँ, मेरा पहले भी फोकस बूथ पे था, इन बूथ कमेटियों को दोबारा से जहाँ पे निष्क्रिय है उन्हें। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।